जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट है टीचर एजुकेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू टीचर एजुकेशन। व्हाट इज़ टीचर एजुकेशन? टीचर एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज प्लान एन एक्शन परफॉर्म बाय द टीचर एजुकेटर्स बाय ट्रेनिंग रिसर्च फॉर द टीचर्स ऑफ ऑल लेवल्स। जितने लेवल्स के जो टीचर्स होते हैं, चाहे वो एलिमेंट्री में पढ़ा रहे हों, सेकेंडरी में पढ़ा रहे हों, इंटर में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में, दे नीड टू बी ट्रेंड, दे नीड टू बी एजुकेटेड। किसी भी लेवल पे जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। बग़ैर ट्रेनिंग के कोई काम भी नहीं हो सकता। तो टीचर का काम चूँकि बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए इनको ज़्यादा ट्रेनिंग की और इनकी एजुकेशन की ज़रूरत होती है। एजुकेशन ट्रेनिंग से अबव चीज़ होती है। तो टीचर एजुकेशन की ज़रूरत होती है और उसके अंदर ट्रेनिंग भी शामिल होती है। कंसेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन मे बी डिफाइंड एज प्रोग्राम कंप्राइजिंग एजुकेशन, यानी जिसमें एजुकेशन शामिल होती है, प्रैक्टिकल स्किल्स, अमली इकदाम एंड रिसर्च वर्क डन बाई द इंडिविजुअल एम्ड टू डिवेल्प स्किल्स फॉर टीचिंग फ्राम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल। यानी टीचर को इस तरीके से एजुकेट किया जाएगा, उनकी एजुकेशन में जो चीज़ें शामिल होंगी, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं होगी, थ्योरी ही नहीं होगी, बल्कि उनकी प्रैक्टिकल स्किल भी। क्लासरूम में ले जाके उनको बाकायदा प्रैक्टिकल तरीका भी सिखाया जाएगा हाउ टू टीच एंड रिसर्च वर्क, और साथ उनको रिसर्च करना भी सिखाया जाना चाहिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स के, टीचिंग के, अपने इदारे के, अपने मुल्क के जो एजुकेशन के जो मामलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो थ्रू रिसर्च एड्रेस कर सकें। ऑल द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसिस दैट हेल्प टू क्वालिफाई अ पर्सन टू अज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नंबर ऑफ द एजुकेशनल प्रोफेशन आर द डिस्चार्ज हिज टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर एफेक्टिव मोर एफेक्टिवली। हम टीचर को फॉर्मल तरीके से भी, जो फॉर्मल वो एजुकेशन होती है जिसमें फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग हो रही होती है, जैसे हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं। नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज़ वो होती हैं जैसे अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो तरीका तदरीस है, फासलाती जिसका तदरीस है, या वर्चुअल यूनिवर्सिटी का तरीका है, या इस वक्त जो ये टीचिंग लर्निंग हो रही है ऑनलाइन LMS के तहत, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत, इसके तहत चाहे वो फॉर्मल तरीका हो या नॉन फॉर्मल तरीका हो। एंड एक्सपीरियंसिस दैट हेल्प टू क्वालिफाई ए पर्सन टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, के वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल सके ऑफ ए मेम्बर ऑफ द एजुकेशनल प्रोफेशन, यानी एजुकेशनल जो तालीम का जो पेशा है, टीचिंग जो पेशा है, उसकी जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए, एंड टू डिस्चार्ज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर एफेक्टिवली, ताकि बाहसियत टीचर अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। इसके लिए टीचर एजुकेशन का होना मस्ट है, ज़रूरी है। तो टीचर एजुकेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम टीचर को एजुकेट करते हैं, उसे इन्फॉर्म करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसके अंदर स्किल डिवेल्प करते हैं और उसको बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं, ताकि वो एक अच्छा टीचर बन सके। इम्पार्टिंग नॉलेज, एक तो नॉलेज है इल्म, यानी उन्हें मालूमात देनी है उन्हें उनके सब्जेक्ट से मुतलिक। नंबर टू स्किल्स, और स्किल्स उनके अंदर यानी महारतें पैदा करनी है हाउ टू टीच, एंड डिस्पोजिशन, और उनके अंदर वो अखलाकियात, उनके अंदर वो वैल्यू सिस्टम, उनके अंदर वो अकदार पैदा करनी है, ताकि वो इन अपनी महारतों को उन रूल्स और कवायद जवाबत के मुताबिक सर अंजाम दे सकें। टू इंडिविजुअल फोकस टू डिवेल्प दियर कैपेसिटीज़ फॉर टीचिंग इज़ कंसिडर्ड एज टीचर एजुकेशन, यानी टीचर की नॉलेज, स्किल और वैल्यूज़ को इस तरह डिवेल्प करना, ताकि वो अपनी सलाहियतों को बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें और अच्छे टीचर बन सकें, उसे टीचर एजुकेशन कहते हैं। टीचर एजुकेशन इक्विप्स प्री एंड इन सर्विस टीचर्स विद द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू एजुकेट अदर्स इन जनरल और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। यानी टीचर एजुकेशन इक्विप करती है, उन्हें इसके लिए तैयार करती है, और उसके दो तरीके होते हैं। एक प्री सर्विस, यानी टीचर की जो सर्विस है ज्वाइन करने से पहले उनको एजुकेट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, फिर जब वो टीचर बन जाते हैं तो अपनी सर्विस के दौरान उनकी ट्रेनिंग की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इन सर्विस ट्रेनिंग, इन सर्विस टीचर एजुकेशन।
ताकि उनके अंदर एक प्रोफेशनल नॉलेज आ जाए, वो अपने जो तालीम व तअल्लुम टीचिंग और लर्निंग के बारे में जितना पेशावराना जो इल्म होता है और उनके उसकी जो महारतें होती हैं, जो अमली महारतें होती हैं जो तालीम देने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए ज़रूरी हों, चाहे वो जनरल सब्जेक्ट हों या स्पेशलाइज सब्जेक्ट हों, यानी वो अपने उनके ख़ास सब्जेक्ट हैं, कोई फिज़िक्स पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं उसके एक तो जनरल उसके अंदर बींग टीचर उसने कैसे पढ़ाना है, और एक अपने सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट स्पेशल स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग होती है वो भी उनको दी जाती है ताकि वो अच्छे और मेयारी और बेहतर टीचर बन सकें। टीचर एजुकेशन में तीन चीज़ें बुनियादी हैसियत रखती है, नंबर वन है टीचिंग स्किल्स, नंबर टू है पेडागोजिकल स्किल्स, नंबर थ्री है प्रोफेशनल स्किल्स। टीचिंग स्किल जो होती हैं उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, यूँ तो बहुत सी हैं, हम इतने थोड़े से वक्त में इनको नहीं सबको डिस्कस कर सकते, लेकिन सबसे पहले उसमें यह है कि एफेक्टिव टीच क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, के क्लासरूम को कैसे मुअस्सर तरीके से बेहतर तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है, यानी क्लासरूम जब तक मैनेज नहीं होगी, वो क्लासरूम के मैनेजमेंट के मुख्तलिफ उसके तरीके हैं, उसका वो एक पूरा एक आर्ट है या पूरी एक साइंस है जिसको आपने दूसरे कोर्ट में भी पढ़ा होगा, और यानी क्लासरूम मैनेज कैसे करना है, हाउ टू कंट्रोल द क्लास, हाउ टू मैनेज द क्लास, क्योंकि क्लास अगर मैनेज नहीं होगी तो बेहतर तरीके से ना हम पढ़ा सकते हैं ना स्टूडेंट सीख सकते हैं। नंबर टू प्रिपरेशन इन यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कि जो हम अपने पढ़ाने में जो टीचर इस्तेमाल करते हैं जो मटेरियल, वो लो कास्ट नो कास्ट मटेरियल है, प्रोजेक्शन का मटेरियल है, मल्टी मीडिया और मुख्तलिफ़ किस्म के ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं और कंप्यूटर है, और इसी तरह आईटी स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है उनको कैसे इस्तेमाल करना है, चार्ट हैं, मॉडल हैं, बोर्ड है, उसको किस तरीके से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। आगे चल के हम इनको आइंदा यूनिट्स में पूरी डिटेल से बात करेंगे। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीचिंग्स के लिए, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल, कि कम्युनिकेट बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ जो उसके सामने बैठे हुए हैं उनको कैसे अपनी बात समझानी है, हाउ टू कम्युनिकेट नॉलेज, यानी टीचर अपने जहन से जो मालूमात हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन है जो नॉलेज है उसको टीचर स्टूडेंट के जो दिमाग है उस तक पहुंचाना, जो अपनी महारतें टीचर की हैं उनको बच्चों को वो महारतें सिखाना, ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो हैं वो टीचर को आनी चाहिए। यानी तीन अफेक्टिव एरियाज़ हैं, थ्री टीचिंग एरियाज़ हैं जो स्किल्स की हैं, एक क्लासरूम मैनेजमेंट है, दूसरा है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को कैसे तैयार करना है और इस्तेमाल कैसे करना है, और तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स है कि बात कैसे करनी है, अपनी बात समझानी कैसे है, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। दूसरी जो है पेडागोजिकल थ्योरी है, यानी ये थ्योरी की बातें हैं, इसमें टीचिंग मेथडोलॉजी है, इसमें फ़िलासफिकल जो फ़लसफ़ियाना है, नज़रियाती पहलू होता है तालीम का वो, और तालीम से मुतलिक मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ हैं, सोशियोलॉजिकल जो थ्योरीज़ हैं कि हमारी माशर्ती कैसे जो है ग्रुप बनते हैं और कैसे इंटरेक्शन होता है और सोसाइटी क्या कैसे अफेक्ट करती है, यानी सोसाइटी से मुतलिक, सोशल कंट्रैक्ट से मुतलिक, सोशल इंटरेक्शन के मुतलिक, क्लासरूम के अंदर जो होता है वो स्कूल में होता है, सोसाइटी में होता है, कम्युनिटी में होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो इश्यूज़ हैं माशर्ती वो उनको जो है इसमें टीचर को सिखाया जाता है। साइकोलॉजिकल जो थ्योरी है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं कि जो बच्चा हमारे सामने है वो नफ्सियाती किस सतह पे वो बच्चा मौजूद है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि बच्चा किस साइकोलॉजिकल स्टेज से गुजर रहा है हम अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं सकते, तो वी शुड नो अबाउट द साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल स्टेज ऑफ द स्टूडेंट टू विच वी आर टीचिंग। हमारा जो प्राइमरी का बच्चा है वो किसी और नफ्सियाती दौर से गुजर रहा होता है, हमारा जो मिडिल स्कूल का बच्चा है 8वीं 9वीं का उसका वो किसी और स्टेज से गुजर रहा होता है, 9वीं 10वीं इसी तरह 11वीं 12वीं के बच्चे ये मुख्तलिफ स्टेज से गुजर रहे होते हैं। जब तक हमें इन थ्योरीज़ का पता नहीं होगा, साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं, टीचिंग लर्निंग थ्योरीज़ हैं, इंटेलिजेंस के मतलब थ्योरीज़ हैं, और इसी तरह ये फिज़िकल डिवेलपमेंट की थ्योरीज़ हैं, इस तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज़ हैं, इन थ्योरीज़ के बारे में टीचर्स को पूरी तरह बताया जाता है, मेथडोलॉजी उनको बताई जाती है, हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच,
और ये सारी चीज़ें जो है टीचिंग स्किल्स टीचर जो है उनको सिखाई जाती हैं इस टीचर एजुकेशन में। फिर प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उनकी पेशे से मुतल्लिक जो खसूसी महारतें हैं कि हम कैसे, वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन सी अप्रोचेज़ हैं और कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स हैं और इसमें एडवाइजरी स्किल्स हैं, IT स्किल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्किल्स हैं, कंप्यूटर है और इंटरनेट और ये दूसरी जो इस तरह का जो मीडिया है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट स्किल्स हैं कि जो इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव कैसे करना है, हासिल कैसे करना है, मुख्तलिफ बुक्स से, इंटरनेट से, मुख्तलिफ जो सोर्सेज होते हैं वहाँ से हम कैसे इनको रिट्रीव कर सकते हैं और उनको मैनेज कैसे करना है। यानी ये नहीं है कि हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव तो कर लें, मालूमात को इकट्ठा तो कर लें, डेटा तो जमा कर लें, लेकिन उसको मैनेज करके और उससे मुख्तलिफ किस्म के बेहतरीन जो नतायज हैं और इफ़ेक्टिव जो रिज़ल्ट हैं वो कैसे निकाले जा सकते हैं, ये डेटा जो है उसको रिट्रीव करना और उसको मैनेज करना, ये स्किल जो है टीचर को आनी चाहिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की स्किल है कि हमने पूरी ज़िंदगी जो है वो सीखते रहना है और टीचर कभी जो है वो सीखना बंद नहीं करते, टीचर हमेशा उनकी ज़िंदगी जो है वो सीखने सिखाने में ही गुजरती है। और ये यानी टीचर जो हैं वो बेहतरीन एक प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं जो पूरी उम्र सीखते हैं और सिखाते हैं, और नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे अमल करते हैं कि माँ की गोद से गौर ताक इल्म हासिल करो, उतलिबुल इल्म मिनल महद इलल्लहद। तो ये टीचर कभी सीखने से नहीं रुकते, वो पूरी उम्र सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, नए नए जो है मेथड ऑफ टीचिंग सीखते हैं, स्किल्स उन सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो बुक्स हैं वो पढ़ते हैं। तो ये तीन एरियाज जो हैं यानी इस टीचर एजुकेशन में टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स इस टीचर एजुकेशन के अंदर शामिल होती हैं। रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ज़ाहिर है कि टीचर को जो ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर को जो एजुकेट किया जाता है, उसमें जो इदारे हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। जैसे पहले गवर्नमेंट में DSDA एक होता था इदारा जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डिवेलपमेंट, जो टीचर की ट्रेनिंग करवाते थे। आजकल जो है मुख्तलिफ हर ज़िले के अंदर टीचर्स एकेडमी हैं, जो अगर प्राइवेट इदारे हैं तो उन्होंने मुख्तलिफ इदारे जो हैं ट्रेनिंग के किए हुए हैं, मॉन्टेसोरी काउंसिल है और इस तरह की बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, आफाक है और इंटरनेशनल इदारे भी हैं और नेशनल भी हैं जो कि टीचर्स को ट्रेन करते हैं और टीचर एजुकेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। ये क्यों ऐसे होता है, यानी हम इनका टीचर इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो तालीम के जो इदारे हैं, ट्रेनिंग के इदारे हैं, उनका क्या काम है? पहला काम ये है के रिवाइटलाइज द एजुकेशनल सेटअप, के इस वक्त जो एजुकेशन सेटअप मौजूद है, जो उसके अंदर सिस्टम है, उसको नए सिरे से तरतीब दिया जाए, उसके अंदर तब्दीली की जाए और हालात के मुताबिक उनको ढाला जाए। क्योंकि इस वक्त हमारे इदारे जो हैं वो इसका यानी दुनिया में जो तालीम तअल्लुम का, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत आगे निकल चुका है, बहुत एडवांस तरीके हैं जिसके ज़रिए सीखा और सिखाया जाता है। तो हमारे इदारे अगर उसी तरह पुराने तरीक़ों से ही टीचर्स को ट्रेन करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे इस 21st सेंचुरी की जो एजुकेशन है उसके काबिल हमारे टीचर्स को नहीं बनाएंगे। तो हमने ये जो इदारे हैं इनका काम यह है कि वो इस पूरे सिस्टम को, टीचर एजुकेशन को रिवाइज़ करे, रीबिल्ड करे, रीऑर्गेनाइज करे, रीवाइटलाइज करे, ताकि वो नई जो है टेक्निक्स टीचर हमारे जो न्यू टीचर्स हैं वो सीख सकें। रीशेप एंड अलाइन द नॉलेज एंड स्किल्स विद द फ्यूचर नीड्स, हमने आज ये इदारों का ये काम है कि वो सिर्फ आज की ज़रूरत का ना देखें बल्कि रीशेप करें और रीअलाइन करें हमारा जो नॉलेज और स्किल जो हम टीचर को दे रहे हैं टीचर एजुकेशन के ज़रिए, वो हमारी फ्यूचर नीड को भी देखें कि हमारी फ्यूचर की नीड क्या है, आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद जो है वो हमारी क्या ज़रूरियात होंगी, हमारा बच्चा जो है उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी। आप देखते हैं कि ये COVID-19 जो है कोरोना के दौरान हमारा पूरा सिस्टम जो है वो बिल्कुल एक ख़त्म हो के रह गया, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और आइंदा भी पता नहीं जा सकेंगे नहीं, तो हमने वो मेथोडोलॉजी हमारे ये जो एजुकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें ऐसे तरीके टीचर्स को सिखाना चाहिए
ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, इस तरह के जो है जैसे गूगल क्लास है, गूगल मीट है, इसी तरह ये जो जूम है, और ये जो ओपन यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, अगर इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग पहले की होती, या आइंदा इस तरह के अगर मामला हों तो हमें इन चीज़ों के लिए बिल्कुल अपने टीचर्स को तैयार करना चाहिए। होप फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। सस्टेनेबल सोसाइटी का मतलब है फ्यूचर है कि ये सस्टेनेबल उसको कहते हैं जो कायम और दायम रहे, हमेशा कायम रहे। ऐसा नहीं कि एक तरक्की तो की है, हमने कुछ चीज़ें टीचर्स को सिखाई हैं लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके अंदर तब्दीली आ गई है, और हम वो जो चीज़ें टीचर्स को सिखाई थी वो अब बिल्कुल उनका इस्तेमाल जो है ख़त्म होके रह गए। जैसे जिन जो लोग कंप्यूटर जानते हैं, जो लोग इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं, आज के दौर में ये जो ऑनलाइन लर्निंग और टीचिंग का प्रोसेस है, इसके अंदर वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। वो स्कूल जिन्होंने अपने टीचर को इसके लिए ट्रेन किया है, वो स्कूल जिन्होंने अपने बच्चों को इसके लिए ट्रेन किया है, वो इस वक्त भी पूरी तरह अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसी हमने टीचर्स को महारतें सिखानी हैं जो सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी फ्यूचर में भी उनकी ज़रूरत बाकी रहे, और ये ना हो कि वो कोई ऐसी तब्दीली आए जिसमें वो बिल्कुल बेचारे पुरानी जो चीज़ें हैं उनको उनकी ज़रूरत ही ना रहे। तो हमें फ्यूचर के लिए और सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए हमने टीचर्स को ट्रेन करना है। फिर प्रोफेशनल डिवेलपमेंट ऑफ द टीचर। टीचर को ये नहीं है कि उन्होंने BEd कर लिया है, PTC CT कर लिया है, या MEd और MA एजुकेशन कर लिया है तो अब बस ख़त्म, बल्कि उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत के हालात के मुताबिक, ज़रूरत के तहत ज़रूरतें बदलती रहती हैं, नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो टीचर की प्रोफेशनल डिवेलपमेंट हमने करनी है। ये निदारों का ये काम है कि वो टीचर की प्रोफेशनल डिवेलपमेंट करें, उनकी पेशा वाराना महारतें उनके अंदर पैदा करें। यानी ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो टीचर ट्रेनिंग के इदारे हैं वो क्या करें, अपडेट द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द टीचर। टीचर का जो नॉलेज है, नई टेक्नोलॉजी है, नया नॉलेज आ रहा है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, और जो स्किल्स और जो महारतें ज़रूरत हैं टीचर्स को, उनको अपडेट करते रहें। क्रिएट अ टीचिंग करिकुलम, एक ऐसा करिकुलम, एक ऐसा निसाब बनाएं जो टीचर के लिए बेहतरीन हो। प्रोवाइड प्रोफेशनल डिवेलपमेंट टू प्रैक्टिसिंग टीचर्स। वो टीचर जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इदारों में पढ़ा रहे हैं, उनकी प्रोफेशनल डिवेलपमेंट की जाए। कंट्रीब्यूट टू टेक्स्ट बुक, जो किताबें आ रही हैं उनके अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनमें तब्दीली की ज़रूरत है, ये टेक्स्ट बुक तैयार करने में, ताकि टीचर जो है वो महारत उनके अंदर हो कि कैसे हमने टेक्स्ट बुक तैयार करनी है, और उसके अंदर कौन सी खराबियां हैं, और उसको एवेल्यूएट करें, उसको रिव्यू करें, और उसके अंदर अगर कोई अच्छाइयां हैं तो उनको भी पॉइंट आउट करें, अगर उनके अंदर कोई ऐसी खराबियाँ हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो टीचर इस काबिल होने चाहिए ताकि टेक्स्ट बुक को वो बेहतर से बेहतर करने में मदद कर सकें। कंसल्ट स्कूल प्रेमिसेस विद रीजनल एंड नेशनल एजुकेशनल मिनिस्ट्रीज़। ये जो स्कूल हैं ये न सिर्फ इनको, यानी जो लोकल स्कूल हैं हमारे, वो अपने रीजनल और नेशनल एजुकेशन जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और इदारे हैं उनके साथ इनसे मुंसलिक करें। ये नहीं कि हर स्कूल जो है वो अपना एक अलग से काम चला रहा हो, बल्कि उसे पता हो कि रीजनल लेवल पे, प्रोवेंशल लेवल पे और नेशनल लेवल पे क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमें उन तब्दीलियों के बारे में टीचर को बताना चाहिए, और हमारे जो तालीमी टीचर ट्रेनिंग के इदारे हैं वो टीचर्स को इसके लिए तैयार करें। टीचर की जो ट्रेनिंग है, टीचर की जो एजुकेशन है, उसके जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज़ प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग है, या टीचर एजुकेशन है, यानी वो टीचर बीइंग टीचर, इन टीचर बनने से पहले जो तालीम दी जाती है वो प्री सर्विस कहलाती है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कहलाती है। पहले हमारे यहाँ PTC और CT होती थी, और BEd जो है, यह BEd भी ज़ाहिर है कि ख़त्म हो रहा है, और ये बहुत आखिरी उस मराइल में है। MA एजुकेशन है, और इसी तरह MEd है। ये जो सिस्टम हमारा एजुकेशन का चल रहा है इस वक्त, और ये भी जा रहा है, MA एजुकेशन भी अभी ये ख़त्म हो रहा है, MEd भी शायद ख़त्म हो जाए। हमारे पास BS एजुकेशन अब जा रहा है और आइंदा ये चलेगा। MPhil और MS एजुकेशन है, PhD एजुकेशन है, इसी तरह एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन है। ये वो तालीम है जो टीचर्स को सर्विस में आने से पहले दी जाती है।
जब टीचर किसी स्कूल में या किसी इदारे में अपॉइंट हो जाते हैं, जब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, तो फिर वो स्कूल या वो इदारा या जो गवर्नमेंट का जो इदारा है या डिपार्टमेंट है, वो टीचर्स को एक ट्रेनिंग देता है जिसे इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। यानी अब टीचर जो है उन्होंने एज ए टीचर काम करना है, तो उस इदारे से मुतल्लिक, उस सब्जेक्ट से मुतल्लिक, वहाँ पर जो मसाइल वो फेस कर सकते हैं और उनको जिन जिन महारतों की ज़रूरत है, ये ट्रेनिंग उन टीचर्स को दी जाती है। हर स्कूल अपनी पॉलिसीज़ के मुतल्लिक, अपनी वर्किंग के मुतल्लिक, अपने जो कल्चर है और अपने जो उसके मामलात हैं उनके मुतल्लिक टीचर्स को स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं और इसे इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। इन स्कूल में टीचर जो है उसकी अपॉइंटमेंट के बाद क्लासरूम में जाने से पहले एक ट्रेनिंग दी जाती है। ये शॉर्ट ट्रेनिंग होती है, गवर्नमेंट को 15-20 दिनों की ट्रेनिंग कराती है, बाज़ औक़ात एक महीने की ट्रेनिंग कराती है। प्राइवेट स्कूल भी ट्रेनिंग करवाते हैं अपने टीचर्स को, ये कुछ दिनों की होती है या कुछ हफ्तों की होती है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसको किसी सीनियर टीचर के साथ लागू लगा दिया जाता है और वो सीनियर टीचर जो है उसको सिखाती हैं क्लास कैसे लेनी है और यहाँ पे बच्चों को कैसे डील करना है और अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, और जो पॉलिसीज़ हैं स्कूल की उनके मुतल्लिक वो एक ट्रेनिंग होती है जिसे इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। फिर जब टीचर अपॉइंटमेंट हो जाती है टीचर की, तो उसे CPD कहते हैं। CPD का मतलब होता है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डिवेलपमेंट, यानी टीचर बनने के बाद उनकी एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट जारी रहती है ताकि वो हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल सकें, नई ज़रूरतों के तहत नई टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर सकें और बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। ये दो तरह की होती है, एक इन सर्विस ट्रेनिंग होती है जो कि टीचर्स को दी जाती है अपनी सर्विस के दौरान, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं गवर्नमेंट भी अपनी ट्रेनिंग करवाती है टीचर्स को, इन सर्विस ट्रेनिंग करवाती है, मुख्तलिफ रिफ्रेशर कोर्सेज करवाते रहते हैं। और एक ट्रेनिंग होती है अंदर जॉब ट्रेनिंग, कि जब वो टीचर जो हैं अपने स्कूल में ही रहते हुए अपना काम करते हुए ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये हमारे यहाँ गवर्नमेंट की साइड पे भी जो ट्रेनिंग हुआ करती थी, जो DTE ट्रेनिंग दिया करते थे, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। इसी तरह की और बहुत सारे जो प्राइवेट इदारे हैं वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये आमतौर पर तीन जो है वो स्टेजेस हैं। इसमें प्री सर्विस है, इन्हें सर्विस में आने से पहले जो तालीम दी जाती है एजुकेशन से मुतल्लिक, दूसरी है इंडक्शन ट्रेनिंग, जब टीचर जो है उनको इंड्यूस किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है और उन स्कूलों में अपनी क्लासेस में जाने से पहले उनकी एक शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेनिंग होती है जिसे इंडक्शन ट्रेनिंग कहती हैं। और एक ट्रेनिंग वो होती है जो टीचर अपनी सर्विस के दौरान ट्रेनिंग जो है वो करते हैं, जिसे इन सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं। और ऑन द जॉब यानी अपनी जॉब के रहते हुए अपने स्कूल में रहते हुए एक ट्रेनिंग होती है जिसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग के जो बेस है या बुनियाद है उसे ट्रायंगुलर बेस एजुकेशन होती है। सिर्फ हम उनको ये नहीं पढ़ाते कि आपने टीचिंग स्किल ही नहीं पढ़ाते, बल्कि टीचर को उनकी फ़िलासफिकल जो बेस है वो उनको सिखानी है कि हमारा फ़लसफ़ा हयात क्या है, हमारा नज़रिया हयात क्या है, हमारा फ़लसफ़ा क्या है, हम किस नज़रिए पे काम करते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि हमारा पाकिस्तान बना ही एक नज़रिए के तहत था, वो नज़रिया पाकिस्तान या नज़रिया इस्लाम है या दो कौमी नज़रिया है। हमने ये मुल्क इसलिए बनाया था ताकि हम एक इस्लामी नज़रिए के तहत, इस्लामी जो कायदे ज़वाबत के तहत, कुरान और सुन्नत के तहत हम यहाँ ज़िंदगी गुजार सकें और मुसलमान अपने दीन के मुताबिक, अपने अल्लाह और अपने रसूल की हदायत के मुताबिक इस मुल्क को चला सकें। ये हमारा एक फ़लसफ़ा याद है, ये टीचर्स को ज़रूर सिखाना चाहिए। इसमें अगर ऐसे टीचर हैं जो जिनकी ये फ़िलासफ़ी नहीं है और उनका नज़रिया इस पाकिस्तान के नज़रिए से लगा खाता ही नहीं है और वो इस नज़रिए को तस्लीम ही नहीं करते और वो किसी और नज़रिए के हामी हैं, तो ये जो टीचर हैं ये बच्चों को ख़राब करेंगे। लिहाजा ये ज़रूरी है कि टीचर की ट्रेनिंग या टीचर एजुकेशन में जो नज़रियाती बुनियादें हैं, जो फ़िलासफ़िकल बुनियादें हैं हमारी, जो हमारा फ़लसफ़ा हयात है, वो भी टीचर को सिखाया जाता है और सिखाया जाना चाहिए। दूसरी जो इसकी बेस है दैट इज़ साइकोलॉजिकल बेस है, नफसियाती बेस है, कि टीचर जो हैं वो एक तरह के एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, चूँकि उन्होंने जिन बच्चों को पढ़ाना होता है वो मुख्तलिफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल स्टेज से गुजर रहे होते हैं, उनके जिस्म में उनकी नफसियात में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ वो किस नफसियाती स्टेज से गुजर रहे हैं,
और हमें उनको उस तरीके से हैंडल करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आमतौर पे हम नासमझी में करते हैं। बच्चे बाज़ुकात दोस्तियां ज़्यादा करते हैं, बच्चे बाज़ुकात जज्बाती ज़्यादा होते हैं, बच्चे बाज़ुकात अपने मेकअप और अपने जो आउटलुक है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करते हैं। बाज़ुकात बच्चों की एक स्टेज ऐसी होती है कि वह अपने लड़के जो हैं लड़कों के साथ दोस्तियाँ लगाते हैं और लड़कियाँ लड़कियों के साथ, फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है जिसमें अपोजिट जो सेक्स होती है उसके साथ ज़्यादा जो है वो दोस्ती लगती है। तो ये एक मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस होती हैं। अगर हम इनके बारे में हमें नहीं पता होगा तो हम बच्चों को मिस हैंडल करेंगे और बच्चों को ख़राब कर देंगे। तो हमें बच्चों की नफसियाती जो उनकी जो ग्रूमिंग है, उनका जो मरल है, जो स्टेज है जिससे वो गुजर रहे हैं, उससे हमें आगाह होना चाहिए। उनकी जहनी सलाहियतें किस सतह पर हैं, उनकी साइकोलॉजिकल जो मरल है वो कौन सा है, इसी तरह जो है वो सोशियोलॉजिकल यानी सोशियो कल्चर फाउंडेशन है और वो बेसिस हैं, उनको भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किस सोसाइटी से आया है, उसका किस उसके वालदैन कैसे हैं, वो जिस कम्युनिटी में है वो कम्युनिटी कैसी है, और इसी तरह जो है उसके माशरे के अंदर क्या ताल्लुकात हैं, हमारे स्कूल के अंदर जो बच्चों के मुख्तलिफ जो फैमिलीज़ हैं, मुख्तलिफ जो बरादरियाँ हैं, उनके बारे में हमें आगाह होना चाहिए। हमारे बच्चों के बारे में पूरी तरह हमें आगाह होना चाहिए और टीचर को ये सिखाना चाहिए कि कहाँ पे क्या कल्चर है और क्या सोसाइटी है और किस तरह की वहाँ पे लोगों का आपस में ताल्लुक कैसा है। ये सोशियो कल्चर जो वैल्यूज़ हैं हमने हर हाल में टीचर सिखानी है। तो ये तीन बुनियादें हैं जिन पर टीचर एजुकेशन को डिवेल्प किया जाता है, और इनके बगैर अलग होके इनसे ज़ाहिर है कि हम सिर्फ अगर हम किताबें पढ़ाते रहेंगे और टीचर को सिर्फ ये सिखाते रहेंगे कि आपको इस तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ाना है तो ठीक है, वो अपनी पेडागोजी में टीचिंग मेथडोलॉजी में तो अच्छे होंगे, लेकिन फ़िलासफ़ी जो है वो उनकी अगर मुल्क के ख़िलाफ़ होगी। जैसे मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो उसमें टीचर्स ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। वो बंगाली और वो जो हिंदू टीचर थे जो स्कूलों में कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते रहे, उन्होंने उन बच्चों की जो नज़रियात हैं वो तबाह करके रख दिए, और वही बच्चे जब बड़े हुए तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने ये जदोजहद की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़े और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़े, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारा पाकिस्तान जो है 2 लख्त हो गया। उसकी वजह ये थी कि हमने ख्याल नहीं रखा कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूलों में कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में वो जो हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, उनके अपने नज़रियात क्या हैं। यही हाल हमारे सूबे में बलूचिस्तान में और बाद जगहों पर हो रहा है, और हमें यानी हमारा जो टीचर है जब तक हम उसकी इस्लामी बुनियादों पे इस्लामी नज़रियाती बुनियादों पे ट्रेनिंग नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा मुल्क जो है उसको एक अंदर से ख़तरा रहेगा, बाहर से तो ख़तरा है ही है, अंदर से भी जो है वो ख़तरा होगा। तो हमने अपने टीचर्स की इस्लामी और नज़रियाती बुनियादें जो हैं मज़बूत करनी हैं, उन्हें बच्चों की जो नफसियाती ज़रूरियात हैं नफसियाती मराहल हैं उनसे भी आगाह करना है, और हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर जो है उसके बारे में भी टीचर को आगाह करना है। अगर हम ये तीनों काम करेंगे तो हमारे टीचर बेहतरीन तरीके से बनेंगे। अब हम आते हैं एम्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पे कि हमारे टीचर जो हैं उनको जो टीचर एजुकेशन है उसका एम क्या है। उसका एम कहते हैं वो मकासद होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, इन्हें मिशन और विजन भी कहते हैं। ये आम तौर पे नज़रियाती होते हैं, इनको हासिल करना मुश्किल होता है, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान के शहरियों को अच्छा मुसलमान और अच्छा पाकिस्तानी शहरी बनाना है, ये हमारा मकसद है। अब ये जो एम है ये लॉन्ग टर्म है। अब ये हासिल करना कि हुआ है या नहीं हुआ इसको पूरी तरीके से हम मेजर नहीं कर सकते, यानी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ये ऐसे होते हैं जिनको 100% मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे आज हम माशरे में देखते हैं कि हमारे यहाँ माशरे में ख़राबियाँ ज़्यादा हैं, हमारे बच्चों के अंदर वो जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उस तरह से नहीं हैं, हमारे नौजवान जो हैं उस तरह से कानून की पाबंदी नहीं करते, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि हमारे माशरे के और हमारे मुल्क के और हमारे आइन के ख़िलाफ़ होती है। अगर ट्रैफिक का सर्जन जो है वो उस पर ना खड़ा हो सिग्नल पर तो नहीं देखते कि भाई ये चूँकि हमारे मुल्क का कानून है और हमने इस रेड सिग्नल पर रुकना है, वो नहीं रुकते। अब ये मतलब इससे पता चलता है कि हम वो लॉन्ग टर्म जो एम्स और एम्स जो थे वो हम हासिल करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए।
तो नेशनल लेवल पे नजरियाती और लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें एम्स कहते हैं। गोल्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जिनको मैयर किया जा सकता है, जो आमतौर पर इदारे के लेवल पे होते हैं और इनको मैयर किया जा सकता है। मसलन एक इदारा है जी, उसने ये फैसला किया है कि हमने इस साल 50 बच्चे जो हैं उनको मैट्रिक पास करवाना है फर्स्ट डिवीजन में या ए ग्रेड में। तो जब इम्तिहान होगा और हम देखेंगे कि 50 बच्चे जो हैं उन्होंने ए ग्रेड ले लिया है, तो इट मीन्स कि उन्होंने वो गोल अचीव कर लिया है। तो गोल मैयरेबल होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और शॉर्ट टर्म होते हैं, और इनको आमतौर पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, इनको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। ये क्लासरूम के लेवल पे होते हैं, सब्जेक्ट के लेवल पे होते हैं, और हमारा बीइंग टीचर हमारा ताल्लुक जो है ऑब्जेक्टिव से होता है। हम क्लासरूम में क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, हमारा वो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें खसूसी मकासद कहते हैं, वो ये भी मैयरेबल होते हैं। और क्लास के एंड पे या पीरियड के एंड पे या उस साल के एंड पे हमें पता चल जाता है कि हमने वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए हैं या नहीं किए, मैयरेबल होते हैं। और जो एवेल्यूशन होता है, इम्तिहान हम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, वो इन ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए लेते हैं। लर्निंग आउटकम जो होते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव्स हम इनको तय करते हैं जिन्हें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। जब आपका ये बन जाता है, ये कोर्स कवर हो जाता है, जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि ये जो आउटकम्स हैं वो जो हम सिखाना चाह रहे थे, क्या बच्चे वो सीख पाए हैं कि नहीं, उन्हें लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। कि हम बच्चों से क्या तवक्को करते हैं, कि बच्चों ने क्या सीखना था, क्या हम उसको सिखाने में कामयाब रहे हैं या नहीं। तो ये लर्निंग यानी आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव, शुरू में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इनको लर्निंग आउटकम्स भी बाज़ुकात कहा जाता है। यानी एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द पीरियड वी कैन नो हाउ मैनी लर्निंग आउटकम्स हैव बीन अचीव्ड। तो ये मेजरेबल होते हैं। एम्स जो आपने कहा है कि ये सिर्फ प्रोजेक्शंस होती हैं, यानी इसको अगर डायग्राम को आप देख पा रहे हैं तो सबसे जो है ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे जो निचले लेवल पे हैं, जो क्लासरूम लेवल पे होते हैं, इनसे ऊपर जो है वो गोल्स होते हैं, और उससे ऊपर जो है नेशनल लेवल पे एम्स होते हैं। और एम्स जो हैं वो ये लॉन्ग टर्म होते हैं, गोल्स उनसे शॉर्ट टर्म होते हैं, इन्हें टारगेट भी कहा जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बिल्कुल यानी शॉर्ट टर्म होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं। और इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर खसूस इनकी आमतौर पर कहते हैं ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का क्या मतलब है, SMART, स्मार्ट। एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन्स रियलिस्टिक, एंड टी मीन्स टाइम बाउंड। यानी स्मार्ट होते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, यानी वक्त के अंदर एक पीरियड में या एक दिन में ये, या एक साल भी कहा जा सकता है अगर हमारे बड़े पूरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये मैयरेबल होते हैं, ये आमतौर पे ऐसे टर्म में लिखे जाते हैं जिनको हम मैयर कर सकते हैं। तो स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मैयरेबल, आर मीन्स रियलिस्टिक और ए मीन्स अचीवेबल और टी मीन्स टाइम बाउंड, यानी वक्त एक मखसूस वक्त के अंदर इनको हासिल किया जा सकता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव जो है हासिल करें तो गोल्स हासिल हो जाते हैं, और अगर गोल्स हम हासिल करें तो नेशनल लेवल के एम्स जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। ये हम क्यों, ये ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्यों हम इनको करते हैं, रीजंस ऑफ स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या रीज़न है, हम क्यों ये ऑब्जेक्टिव जो है इनको बयान करते हैं। इसलिए टू हेल्प टीचर्स डिज़ाइन द कोर्स कंटेंट एंड मेथडोलॉजी एंड द असेसमेंट प्रोसीजर्स। यानी टीचर जो कोर्स कंटेंट डिज़ाइन करते हैं कि मैंने आज ये पढ़ाना है हर पीरियड के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, उसको डिज़ाइन करने में ये आसानी देते हैं, उसमें रहनुमाई करते हैं। मेथडोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करनी है, यानी टीचिंग मेथडोलॉजी, लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड है, डिस्कवरी है, कौन सा मेथड हमने इस्तेमाल करना है। ये ऑब्जेक्टिव हमारे सामने होंगे कि हमने ये ऑब्जेक्टिव जो ट्रेन करने हैं उनको हासिल करने के लिए हम वो स्पेसिफिक मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। मैथ के लिए कुछ और होगी, इंग्लिश के लिए कुछ और होगी, उर्दू के लिए कुछ और होगी, सोशल स्टडी के लिए जो मेथडोलॉजी है वो कुछ और होगी। तो ये जो मेथडोलॉजी होती है, टीचिंग मेथडोलॉजी, ये हम उन ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए हम तय करते हैं। इसी तरह असेसमेंट, हमने इम्तिहान कैसे लेना है, जायज़ा कैसे लेना है, ये ऑब्जेक्टिव जो है सामने रखते हुए हमारा वो प्रोसीजर होगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा,
लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा हमारा, या हम ये जो है फिलिंग द ब्लैंक्स रखेंगे, मैचिंग रखेंगे, लेबलिंग रखेंगे, जो भी असेसमेंट का प्रोसीजर होगा वो उन ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक होगा, क्योंकि हमने उनको सामने रखना है कि हमने ये चेक करना है कि वो ऑब्जेक्टिव हासिल हुए हैं या नहीं। टू एक्सप्रेस द एजुकेशनल कमिटमेंट ऑफ द कोर्स टू द लर्नर एंड टू द टीचर, के जो टीचर का उस कोर्स से मुतालिक कमिटमेंट है कि मैंने ये ऑब्जेक्टिव जो है हर हाल में अटेंड करने हैं और बच्चों को ये चीज़ें जो है आनी चाहिए, लर्निंग आउटकम सामने रखते हैं, तो उसके मुताबिक टीचर अपनी कमिटमेंट शो करते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों को अरेंज करते हैं। टू रिकॉग्नाइज द मटेरियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उस ऑब्जेक्टिव को ही सामने रख के वो टीचिंग लर्निंग के जो रिसोर्सेज हैं या जो चीज़ें हैं जो उनको पढ़ाने में इस्तेमाल होंगी, कोई अगर उनको प्रैक्टिकल एक्टिविटी चाहिए, कोई उनको सामान चाहिए, कोई उनको कोई ऐसी चीज़ चाहिए, या सिर्फ वो बोर्ड से और मार्कर से करेंगे, ये जितना भी वो उन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, अगर साइंस का है तो उसके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज कुछ और चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और चाहिए, तो ये रिसोर्सेज जो हैं वो उस ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए वो इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं और प्री अरेंज करते हैं। टू मेक अवेलेबल ए फाउंडेशन फॉर एस्टिमेट द कोर्स, कि कितना कोर्स हमने पढ़ाना है, ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए हमें कोर्स की लेंथ कितनी रखनी है, कितना वक्त हमें चाहिए होगा उसको पढ़ाने के लिए। टू प्रोवाइड अ बेस फॉर एक्सीलेंस, ताकि उन ऑब्जेक्टिव के लिए हम एक एक्सीलेंस का बेस प्रोवाइड कर सकें, कितने ऑब्जेक्टिव हैं, सपोज कि 10 ऑब्जेक्टिव थे तो उसमें से कितने हासिल हुए हैं, 8 हासिल हुए, 7 हुए, 2 हुए, तो अगर कम ऑब्जेक्टिव हासिल हुए तो इसका मतलब एक्सीलेंस लेवल जो है वो कम है। टू कीप द टीचर एंड लर्नर टारगेट ओरिएंटेड, यानी जो ऑब्जेक्टिव सामने होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव एक तरह से मंजिल होती है जिसमें हमने पहुँचना होता है, तो टीचर जो है वो उनको टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं, वो इधर उधर नहीं होते, वो कोई ऐसी बात नहीं करते कि जिससे वो उनका वक्त ज़ाया हो। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो जिन्हें हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ये हमारा वक्त बचाते हैं, ये हमारी मेहनत जो है उसको सही डायरेक्शन में रखते हैं, ये हमें रिसोर्स प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, ये हमारी टीचिंग लर्निंग जो इफेक्टिवनेस है उसको चेक करने में मदद देते हैं। अब ये कितनी किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी है और अगर नहीं पढ़ी तो उसे ज़रूर पढ़ें। ये तीन तरह के, इनको तीन डोमेन या तीन ग्रुप में तकसीम किया गया है, ब्लूम्स ने इनको तकसीम किया और उसकी टीम ने, वो एक कॉग्निटिव डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, इनका ताल्लुक जो है वो किससे होता है, इल्म से होता है, यानी इसमें नॉलेज है, रिमेम्बरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद इसकी कंप्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, और फिर सिंथेसिस है और एवेल्युएशन है। तो ये कॉग्निटिव का जो ताल्लुक है वो सिर्फ जानने और सीखने, जानने से और मालूमात से होता है और उसको अप्लाई करने से होता है। दूसरे हैं इफेक्टिव डोमेन्स, जिन्हें ये वो हैं जो वैल्यूज से ताल्लुक रखते हैं, अकदार से ताल्लुक रखते हैं। बच्चे जो हैं वो जब सिर्फ इल्म सीखेंगे, चंद चीज़ों को रटा लगा लेंगे, नहीं, उनके जो वैल्यू सिस्टम है वो भी अच्छा होना चाहिए, उनके अंदर वो वैल्यूज़ का अकदार उनके अंदर भी वो आ जानी चाहिए, ताकि वो माशरे के बेहतर रुकन बन सकें। तीसरे हैं साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, या इन्हें स्किल्स भी कहते हैं, महारतें, अमली तौर पे भी बच्चा जो है वो कुछ कर सके और वो बाकायदा उसके अंदर एक अप्रेसी का एक आंसर भी आ जाए कि वो कुछ चीज़ों को अमली तौर पे भी कर सके, अमली उसके अंदर भी महारतें आ जाएँ। तो ये एक पूरा एक लंबा इन डिटेल जो है वो एक टॉपिक है और इस पर बहुत तफसील से बात जो है किसी अगर मौका मिला तो हो सकेगी। तो ये तीन तरह के, कॉग्निटिव यानी इल्मी जिन्हें वकूफ़ी कहते हैं, जिनके नॉलेज से जिनका ताल्लुक होता है, इफेक्टिव जिनका ताल्लुक वैल्यूज से, अकदार से होता है, और साइकोमोटर जिनका ताल्लुक स्किल्स से और महारतों से होता है। ये तीन ग्रुप, यूँ तो और भी वो लोगों ने किए हैं लेकिन ये तीन बहुत ज़्यादा अहम हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ऑब्जेक्टिव जो आप टीचर एजुकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज टीचर्स को होना चाहिए कि जो टीचर है उसको अपने सब्जेक्ट का, अगर मैथ के टीचर हैं तो मैथ के बारे में, अगर इंग्लिश के हैं तो उन्हें इंग्लिश के बारे में, यानी अपने सब्जेक्ट का, इस्लामियात के हैं तो उनको इस्लामियात के बारे में, अपने सब्जेक्ट के अंदर उन्हें महारत हासिल होनी चाहिए, वो मास्टर होने चाहिए। नंबर टू है पेडागोजिकल स्किल्स हैं, यानी वो महारतें हैं कि पढ़ाना कैसे है, सिखाना कैसे है, वो कौन कौन से आर्ट और कौन कौन से स्किल्स हैं, वो कौन कौन सी फ़िलासफीज़ हैं, वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो टीचिंग लर्निंग में इस्तेमाल होती हैं, ये हमारे टीचर को हर हाल में पता होना चाहिए।
थर्ड है लर्नर साइकोलॉजी, के जो बच्चे उसके सामने हैं, जो उनको सिखाने के लिए जिस लेवल के टीचर हैं को हम एजुकेट कर रहे हैं, जैसे आप भी है जो है आमतौर पर एलिमेंट्री या आजकल सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा एलिमेंट्री का बच्चा जो है वन क्लास का बच्चा है, फाइव क्लास का बच्चा है, इसी तरह जो है एट्थ का क्लास का बच्चा है, वो किस साइकोलॉजिकल जो स्टेज है उससे गुजर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर जो है इसीलिए उनको एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो लर्नर की साइकोलॉजी का इल्म जो है वो टीचर एजुकेशन में लाजमन शामिल होना है, ये उसका मकसद है। डिवेलपिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, टीचिंग के मतलब जो एटीट्यूड टीचर के अंदर डिवेल्प करना है, टीचर जो है वाकई टीचर हो और वो उसके अंदर ये एटीट्यूड हो बीइंग टीचर, और वो इस टीचिंग को एक मिशन समझे, वो टीचर टीचिंग को मुलाजमत ना समझे, वो टीचिंग को सिर्फ अपना एक 8 घंटे का टीचर ना समझे, बल्कि वो टीचर जो है वो एक मिशनरी टीचर है। जैसे हमारे नबी मोहतरम ने इस पे फ़ख्र किया, इन्नी बोइस तो मुअल्लिम, के मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया है। तो टीचिंग की तरफ एटीट्यूड कि मैंने टीचर यानी शौक का मुजाहरा करे बीइंग टीचर, फ़ख्र महसूस करे टीचर होने से, क्योंकि टीचर बहुत बड़ी चीज़ होती है, माशरे का सबसे सेंसिटिव और सबसे आला और सबसे बाइज़त और सबसे बेहतरीन अगर के प्रोफेशन है तो वो टीचिंग है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें हमने टीचर एजुकेशन में टीचर को पैदा करनी है कि ताकि वो उनके अंदर एतमाद पैदा हो जाए टीचर होने की हैसियत से, वो क्लासरूम में, क्लासरूम से बाहर सोसाइटी में वो कॉन्फिडेंट हों। एम्पावरिंग लर्नर्स, और वो जो लर्नर्स हैं यानी टीचर को भी हमने लर्नर बेहतरीन बनाना है, और जिन बच्चों को हम सिखा रहे हैं उनको भी एम्पावर करना है ताकि वो खुद से भी सीख सकें। ये नहीं कि स्पून फीडिंग का इंतजार करते रहें, हर चीज़ हम उनको पकी पकाई बना के देते रहें, नहीं, उनको एम्पावर करें कि वो खुद से भी कुछ चीज़ें सीख सकें। अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, जो तालीमी जो फैसिलिटीज़ हैं सहूलतें हैं उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्लासरूम में अंदर जो बच्चे होते हैं मुख्तलिफ लेवल के, मुख्तलिफ फैमिलीज़ के, मुख्तलिफ जो उनकी जो स्टेज होती है इमोशनल और मेंटल और इंटेलेक्चुअल, और उनकी पसंद और नापसंद मुख्तलिफ होती है, उसको जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें समझना चाहिए, और पूरी क्लास को एक यूनिट के तौर पे हर बच्चे को जो है बराबर समझ के पढ़ाना जो है वो ठीक नहीं होता। तो हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, यानी हर स्टूडेंट जो है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी खसूसियत होती है कि वो दूसरों से अलग होता है, तो हमें टीचर को ये बताना है। यूजिंग 21st century टीचिंग लर्निंग स्किल्स, यानी अभी 21वीं सदी के लिए जो नई महारतों की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास मुख्तलिफ़ जैसे पावर पॉइंट है और कंप्यूटर के मुख्तलिफ जो हैं प्रोग्राम लर्निंग है, इसी तरह कंप्यूटर असिस्टेड जो लर्निंग है, ये चीज़ें जो हैं वो इसी तरह ऑनलाइन लर्निंग है, टीचिंग है, इसके बारे में हमें नई टेक्नोलॉजी मल्टी मीडिया और इसी तरह कंप्यूटर का इस्तेमाल है और LCD और LED का, और प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, या LMS को कैसे इस्तेमाल करना है, ये टेक्नोलॉजी जो है हमने टीचर को सिखानी है। तो हमारा मकसद यह है कि हमारा जो टीचर है वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो सके। एप्लीकेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये जो टीचर जो इसके बारे में हमके कान से पुराने तरीके कान से हैं, दो तरह की अप्रोचेज जो हैं वो होती हैं। एक है टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, जिसमें टीचर ही मरकज़ होता है, टीचर ने सब कुछ करना है, जैसे लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इनमें टीचर सेंटर्ड ये अप्रोच हैं जिसमें टीचर ही ने सब कुछ करना है और बच्चे जो हैं वो टीचर को फॉलो करते हैं और टीचर ही एक तरह से बताते जाते हैं। और दूसरा है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है कि जिसमें स्टूडेंट को अहमियत दी जाती है, उनकी जो पसंद और नापसंद को देखा जाता है, उनको एक्टिविटी करवाई जाती है ताकि वो बेहतर तरीके से, तो आजकल ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को पसंद किया जाता है और इसको इस्तेमाल करना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। एक प्री टेक्नोलॉजी या कन्वेंशनल एजुकेशन है, जिसमें टेक्नोलॉजी जो थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और लैपटॉप्स और ये जो मल्टीमीडिया है और इंटरनेट है, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक है, और ये दूसरे इस तरह की जो मेथडोलॉजीज हैं, उनके आने से पहले का जो तरीका था, जो हम लेक्चर मेथड इस्तेमाल करते थे, क्लासरूम डिस्कशन या इस तरह के, या रोल प्लेइंग और ये चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, उनकी अहमियत भी है। लेकिन अब ये पोस्ट टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो है, इसमें ज़ाहिर है कि हमारा बच्चा
उस टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखता है और वो घर में यूज़ करता है मोबाइल भी और कंप्यूटर भी और दूसरी चीज़ें, तो हमारे लिए अब पोस्ट टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो है हमारे टीचर्स को जानना ज़रूरी है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि प्री टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, उसकी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी जगह है, लेकिन पोस्ट टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो है उसको टीचर को इक्विप करना है ताकि वो इस्तेमाल कर सके मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब है कि मुख्तलिफ जो तरीके हैं मीडिया हैं, इसमें तस्वीरें हैं, इसमें मॉडल्स हैं, इसमें वीडियोज़ हैं, इसमें मुख्तलिफ जो हैं वो लो कास्ट नो कास्ट मटेरियल हैं, मंटेसोरी की मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। लेक्चर मेथड में सिर्फ हम सुनते हैं, तो इसके बारे में एक मुफक्कर ने, कन्फ्यूशियस जो है चाइनी मुफक्कर है, उसने ये कहा था आई हीयर एंड आई फॉरगॉट, कि मैंने सुना और मैं भूल गया, आई सी एंड आई बिलीव, मैंने देखा और मुझे यकीन आ गया, आई डू एंड आई अंडरस्टूड, मैंने किया और मैं समझ गया। यानी सिर्फ सुनने से अगर बात होगी तो बच्चे जल्दी भूल जाएंगे, जब वो सामने वीडियो या डेमोंस्ट्रेशन होगी तो उन्हें यकीन भी आ जाएगा, और इसी तरह अगर वो करेंगे तो वो अंडरस्टैंड भी होगा। वो जो सूरह तकासर में कहा गया अलहाकुम तकासर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, यानी एक इल्मल यकीन है सिर्फ जानना। तो फिर आगे इसके बाद है ऐनल यकीन, यानी देख कर आपको जो यकीन आएगा वो परमानेंट और पक्का यकीन होगा। तो ये जो हम चीज़ें देखते हैं उनको और जो करते हैं उनको समझ आते हैं, जो देखते हैं उन पर यकीन आ जाता है। तो ये इसमें कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इसी तरह ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो बच्चे ख़ुद करते हैं और लर्निंग बाय डूइंग के अमल को इस्तेमाल करते हुए बच्चे जो हैं सीखते हैं। तो हमारे टीचर को हमें इस काबिल बनाना है कि हम टीचर जो है वो हमारा इस काबिल हो सके कि वो बेहतर से बेहतर जो है टीचर बन सके। फिर आइडियालॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान में हमने पहले भी बात की है के नज़रिए के बगैर पाकिस्तान ख़ास तौर पे एक नज़रिए के तहत बना है, और ये नज़रिए हयात जो है वो ये है कि मुसलमान बाकी अकवाम से अलग हैं, हिंदुओं से अलग हैं, उनका रहने सहने का तरीका अलग है, उनका रसूल अलग है, उनका जो नज़रियात है उनका अलग है, उनकी इबादत का तरीका अलग है। हम पाकिस्तान हमने इस आइडियालॉजी के सामने रख के बनाया था, अगर ये आइडियालॉजी निकाल दी जाए तो पाकिस्तान का वजूद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें जो बुनियादी इसके अनासर हैं जिसमें हमने बच्चों को ये सिखाना है, हमें टीचर को ये सिखाना है ताकि वो इस पर मजबूत उनका ईमान हो, अल्लाह इज़ सोवरेन, यानी अल्लाह जो है वो खुद मुख्तार है, अल्लाह की जो तौहीद है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो अल्लाह जो है एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह सोवरेन है, वो सब कुछ करता है, उसे किसी का जो है वो मोहताज नहीं है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई वालदेन है। वो जो ईसाइयों का जो नज़रिया है तसलीस का, कि तीन जो हैं वो खुदा हैं, या तीन जो है उसके हिस्से हैं, या तीन उसके डायमेंशंस हैं, नहीं, अल्लाह एक है। हमारा इस्लाम जो है उसमें अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम युलद व लम यकुल्लहु कुफुवन अहद, ये यानी सूरत इखलास जो है ये बच्चों को सिखानी ही नहीं, याद ही नहीं करवानी, बल्कि उसका पूरा मफहूम हमने समझाना है। हमारे टीचर को सबसे पहले ये समझना है, मैन इज़ वाइस ग्रैंड ऑफ अल्लाह, जो इंसान है वो अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह का भेजा हुआ है, उसे इस ज़मीन के ऊपर एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है, और उसकी ख़ास ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये ज़िम्मेदारियाँ उसकी क्या हैं। अल्लाह ने फरमाया खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। अब ये इबादत का तसव्वुर इस्लाम में बहुत वसी है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना ये पढ़ाना पढ़ना ये सब इबादत में शामिल है। तो अल्लाह जो है वो, यानी अल्लाह ने हमें इसके बारे में पूछना है, ये यानी अल्लाह नायब है, अल्लाह का नायब है इंसान, इंसान अल्लाह का नायब है, ये यानी ज़मीन के ऊपर, तो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़मीन का निज़ाम चलाना है, ये हमारी नज़रियाती बुनियाद है। स्टेट हैज़ एन एल्यूस्ट्रेटिव करेक्टर, यानी हुकूमत जो है ये रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो एक वेलफेयर स्टेट बनाए और वो एक मॉडल बनाए और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तालीमात के मुताबिक इस मुल्क को चलाए। ये रियासत जो है ये लादीनी नज़रियात पर नहीं बन सकती और कायम नहीं रह सकती। ये चीज़ें हमारी टीचर एजुकेशन में शामिल होना चाहिए और होती हैं। स्टेट इज़ अनसरेबल
फॉर द वेल बींग ऑफ मैन, हर इंसान जो है उसकी फलाह के लिए, उसकी बेहतरी के लिए रियासत ज़िम्मेदार है, हुकूमत ज़िम्मेदार है। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो रातों को भेष बदल के गलियों और शहरों में फिरते रहते थे और देखते थे कि कहाँ किसी के साथ क्या मसला है। यानी ये बादशाह के बारे में, हुक्मरान के बारे में कहा जाता है कि वो कौम का खादम होता है, तो स्टेट उसकी ज़िम्मेदार है कि वो आवाम की और अपनी शहरियों की हकूक़ का ख्याल रखे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। अब गाइडिंग एंड काउंसलिंग की बात हम करते हैं, वक्त चूँकि बहुत थोड़ा है इसलिए मैं बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ। गाइडिंग गाइडेंस कहते हैं बच्चे की रहनमाई करना, ये वन वे प्रोसेस है। वन वे प्रोसेस का मतलब है कि ये एक ऐसा तरीका है कि जिसमें बच्चे को गाइड किया जाता है, बच्चे को रहनमाई दी जाती है। और काउंसलिंग टू वे मेथड है। टू वे मेथड का मतलब है टीचर जो हैं वो बच्चे की भी सुनते हैं और बच्चे को मशवरा भी देते हैं। गाइडेंस में सिर्फ हम उसकी रहनमाई करते हैं, काउंसलिंग में हम बच्चे को भी सुनते हैं, उसके प्रॉब्लम को, उसकी चीज़ों को सुनते हैं और फिर उसकी रहनमाई करते हैं। तो इसमें गाइडिंग काउंसलिंग में होम का, घर का बड़ा किरदार है। बच्चा ज़्यादा वक्त घर में गुजारता है, पहले 4-5 साल जो घर में ही गुजार के स्कूल आता है। दूसरा जो अहम गाइडेंस और काउंसलिंग का इदारा है वो स्कूल है। मेथड क्या है इसके गाइडेंस के और काउंसलिंग के? ग्रुप है, यानी ग्रुप की शक्ल में पीयर काउंसलिंग। हम क्लास में पूरे ग्रुप को समझाते हैं और उसे गाइड करते हैं और उसको मशवरा देते हैं और हम बच्चों की भी सुनते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको ज़रूरत है, तो वो ग्रुप गाइडेंस होती है, ग्रुप काउंसलिंग होती है, और एक इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है जिसमें अगर कोई एक बच्चा किसी प्रॉब्लम का शिकार है तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसकी रहनमाई करते हैं, उसकी मशावरत करते हैं और उसके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये निदानु तरीके जो हैं वो स्कूलों में इस्तेमाल होते हैं और टीचर ज़्यादा एजुकेशन में उसका हिस्सा होता है। गाइडिंग काउंसलिंग में जो चैलेंज और इश्यूज़ हैं वो उसको मैनेज कैसे किया जाता है। पीयर इन्फ्लुएंस होता है, यानी पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है दूसरे जो हमजोली हैं, हम उम्र हैं, वो उनका प्रेशर होता है। अगर वो अच्छे होंगे तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा, अगर वो बुरे होंगे तो बच्चे ख़राब हो जाएंगे। कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है माशरे के अंदर जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो बच्चा जो है जिस तरह की वहाँ पर प्रैक्टिस होती हैं, ज़ाहिर है कि बच्चा उसी तरह का वो हो जाता है। एडोलेसेंस एंड हेल्थ इश्यूज़ हैं, बच्चा जब बालिग हो रहा होता है, बचपन से गुजर के वो बलूगत की तरफ जा रहा होता है, तो उसके बहुत सारे ऐसे मसाइल उसके अंदर होते हैं, उसमें उसकी रहनमाई ज़रूरी होती है। हेल्थ इश्यूज़ हैं बच्चे के, उनके बारे में भी हमें उनको उसको मशवरा देना है। ड्रग अब्यूज़ एंड सब्सटेंस अब्यूज़ है, यानी इसमें बच्चे जो हैं बस नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो टीचर भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उनके लिए बेहतर से बेहतर जो है वो ऐसी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको इसे बचाया जा सके। फैक्टर कौन कौन से हैं गाइडिंग काउंसलिंग मैनेजमेंट में, सेकेंडरी स्कूल में या इसमें? तो फैमिली है सबसे पहले, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्कूल है हमने कहा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल जो शख्सियात हैं वो, कल्चर और सोसाइटी है, कम्युनिटी है जिसमें बच्चे रह रहे हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जो मजहबी इदारे हैं वो, और मीडिया जो है आजकल इंटरनेट है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसके अंदर फेसबुक है और व्हाट्सएप है और ट्विटर है और इंस्टाग्राम है और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पीयर्स हैं, हमने पहले बात की है कि हमजोली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, करिकुलम जो हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं वो भी उनकी गाइडिंग काउंसलिंग में उसमें एक बड़ा रोल जो है वो अदा करता है। फिर हम मान कहते हैं कि टीचर को कम्यूनिटी और जो एजुकेशन है उसमें कम्युनिटी के बारे में टीचर को एजुकेट करना है, क्योंकि वो जिस कम्युनिटी में स्कूल है उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। उसका मकसद ये होता है टू इम्प्रूव द हेल्थ, सेहत जो है उसकी इम्प्रूव करने के लिए, वेलफेयर सोसाइटी के लिए, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, डिवेल्प द इंटर एक्शन अमंग इंडिविजुअल स्टूडेंट स्कूल एंड सोसाइटी, ताकि बच्चे आपस में अच्छे तरीके से रह सकें, टीचर के साथ अच्छा कर सकें, स्कूल में उनका बिहेवियर अच्छा हो, सोसाइटी के अंदर वो बेहतर हो सकें। हेल्प स्टूडेंट्स एंड यंग इम्प्रूव गुड बिहेवियर एंड डिवेल्प हेल्दी फैमिलीज, ताकि वो आइंदा चल के उनका बिहेवियर बहुत अच्छा हो और वो अच्छी जो हैं सेहतमंद ख़ानदान जो हैं वो उसके लिए वो उसकी तामीर कर सकें। डिवेल्प द स्टूडेंट्स अचीवमेंट रेगुलर अटेंडेंस होमवर्क कम्प्लीशन, ताकि वो बेहतर तरीके से वो अपना होमवर्क कर सकें, उनकी अटेंडेंस बेहतर हो और उनकी जो है वक्त पर वो अपना काम ख़त्म करें, उनके इम्तहान में स्कोर बेहतर हों और सेल्फ रेस्पेक्ट हो और अपनी जो सेल्फ मैनेजमेंट हो वो बेहतर कर सकें, ड्रॉप आउट का रेट को कम किया जा सके और माशरे के जो मसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सके। तो ये इसलिए कम्युनिटी और स्कूल जो है ना उसमें टीचर की एजुकेशन जो है वो ज़रूरी होती है, ताकि फैमिली और कम्युनिटी के कोऑपरेशन के ज़रिए ये हो सकता है।
स्कूल टीचर और स्टाफ को इन्वॉल्व करना चाहिए कम्युनिटी के मामलात में, पेरेंट्स टीचर की मीटिंग करते रहना चाहिए ताकि बच्चों के मसाइल को हल किया जा सके और कम्युनिटी और स्कूल के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक कायम हो सके। स्कूल शेयर रेगुलरली द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स, जो बच्चे काम करते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट बनाते हैं वो हमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वालदेन के सामने उस कम्युनिटी के सामने पेश करते रहना चाहिए ताकि उनको पता चल सके कि हमारा जो स्कूल है और जो हमारे जो टीचर हैं वो बेहतर कर सकते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की एजेंसियाँ और इदारे जो हैं उनको स्कूल में बुलाना चाहिए ताकि उनके कोऑपरेशन से एजुकेशन को बेहतर किया जा सके। और इसी तरह जो है वो कोलाब्रेशन स्टूडेंट्स के दरमियान, पेरेंट्स के दरमियान और कम्युनिटी के दरमियान कोलाब्रेशन कायम करना चाहिए। देयर शुड बी ए पार्टनरशिप बिटवीन स्कूल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो मुख्तलिफ इदारे हैं जहाँ बच्चों ने तालीम हासिल करने के बाद जाके मुलाजमतें करनी है या काम करना है, उन स्कूल के और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के और टीचिंग के दौरान ये टीचर जो है ना उनको और स्टूडेंट्स को भेजना चाहिए ताकि वो इन इदारों के साथ जाके काम करें और उनके उनको समझें। और इसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो है पीटीए, यानी पीटर पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, इसमें कोलैबोरेशन के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए, एग्जीबिशंस के जरिए टीचर जो है और पेरेंट टीचर मीटिंग के जरिए, स्कूल काउंसिल के जरिए हम कम्युनिटी और स्कूल के दरमियान बेहतरीन तालुकात जो हैं वो डिवेल्प कर सकते हैं। और कम्युनिटी एजुकेशन के मॉडल क्या हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन है, सेल्फ हेल्प है, खुद हम अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लीडरशिप डिवेलपमेंट है। और इसी तरह लोकलाइजेशन है कि हम लोकल जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें। इंक्लूसिवनेस का मतलब है कि हम कम्युनिटी को अपने साथ कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको शामिल कर सकें। रेस्पॉन्सिवनेस, जो माशरे के अंदर जो ज़रूरियात हैं कम्युनिटी के अंदर हैं उसको हम रेस्पॉन्स करें, माशरे की भी मदद करें। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है उसको क्रिएट करें कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो बच्चों को टीचर्स को करवा सकें। रिसर्च और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च के बगैर कोई भी एजुकेशन बेहतरी नहीं होगी। हम टीचर को हमें सिखाना चाहिए कि कौन सी मेथड है रिसर्च